पाकी का कंपटीशन और इसलिए हमें आना पड़ा सैटरडे को स्कूल। तो ये रही पाकी। पाकी अब बेटर फील कर रहे हो आप? बहुत बेटर। हमारी इसने नींद खराब कर दी है। चलो आई होप कि इनका जो ग्रुप है वो फर्स्ट प्राइज लेके आए। तो चलिए ऑल द बेस्ट, ठीक है पाकी। और यहाँ गई थी मैं पाकी को स्कूल ड्रॉप करने। एक्चुअली पाकी का स्कूल है 5 डेज, सैटरडे वहाँ पे छुट्टी रहती है और संडे तो ऑब्वियसली होती ही है, बट सैटरडे को था इसको कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, तो उसके लिए तो नींद ख़राब करके हमें अपनी आना ही पड़ा मॉर्निंग में। और यहाँ पे ना बहुत इतने सुंदर प्यारे फ्लावर्स आए हुए थे और हम हस्बैंड वाइफ आ गए थे दोनों वॉक करने। और सीरियसली पाखी के कंपटीशन के बहाने हम आए थे पार्क, बट यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा था, इतनी ग्रीनरी थी और टचवुड उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल धूप नहीं थी। हाँ हवा थोड़ी कम चल रही थी बट बहुत मज़ा आ रहा था। आज का ब्रेकफास्ट कैसा है? आज का ब्रेकफास्ट अच्छा है, हेल्दी ब्रेकफास्ट। हाई पैलिंग सारी फेल कर दी स्कूल वालों ने, तो अभी हम खाएंगे मट्ठी। और साथ में चाय। और हम मॉर्निंग में गए थे 8:15 बजे और अभी बज रहे होंगे 11:30। हम घर आ गए थे, घर आके मैंने बनाई थी चाय, बिकॉज लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा था पाकी की थी तबीयत ख़राब और उसकी वजह से ना मुझे भी थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, तो मेरी तो एकदम बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने की थी सारे सामान की रीस्टॉकिंग, बिकॉज बहुत सारे स्नैक्स थे जो ख़त्म हो गए थे। और वही दोपहर क्या शाम होते होते मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतना ज़्यादा कोल्ड कफ मुझे हो गया था और इनफैक्ट फीवर भी मुझे 100 तक पहुंच गया था, बट मेरे पास फर्स्ट एड में पैरासीटामोल या और कोई मेडिसिन रखी हुई थी तो मैंने वो ले ली थी। और मैं बहुत ज़्यादा स्टीम ले रही थी, काढ़ा पी रही थी और पता नहीं कहाँ से मुझे इन्फेक्शन हो गया। शायद ये जो वेदर एकदम चेंज हो रहा है ये उसका ही नतीजा है, तो प्लीज़ आप भी अपना ध्यान रखिए। एकदम एसी वाले कमरे से एकदम होता है ना हम गर्म वाली जगह पर चले जाते हैं, उससे वेदर वो जो चेंज होता है उसकी वजह से हो जाता है, या फिर ये जो फ्रिज का पानी हम पी लेते हैं, तो प्लीज़ फ्रिज का एकदम चिल्ड पानी आप मत पियो और एसी से एकदम नॉर्मल या बाहर हम धूप में निकल जाते हैं वो भी जाने से आप अवॉइड करें। और यहाँ पे मेरी चाय बन के हो गई थी रेडी, जिसमें मैंने डाली थी अदरक, लौंग, इलायची और काली मिर्च, ताकि मेरे को जो कोल्ड हुआ है उसमें एटलीस्ट थोड़ा तो आराम आए। और उसके बाद मैंने बनाए थे स्प्राउट्स। स्प्राउट्स मैंने पहले ही करके रख लिए थे, बिकॉज मेरा ना कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा था और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। और इसमें मैंने क्या किया था, मेरे पास कैरेट रखी थी वो मैंने इसमें ना छोटे छोटे चंक्स में चॉप कर ली थी। आलू था, आलू भी मैंने चॉप कर लिया था। वैसे तो मेरे पास मटर भी थे बट मटर मैंने नहीं डाले। आप चाहो तो बेल पेपर्स, मशरूम, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वेजिटेबल वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास अभी यही थी तो मैंने यही डाली और सारी चीज़ों को डाल के मैंने एक या दो विसल लगा ली थी। और बस यहाँ पे हो गए थे मेरे स्प्राउट्स रेडी। जब तक स्प्राउट्स की स्टीम निकल रही थी मैंने प्याज और टमाटर को छोटा छोटा चॉप कर लिया था। आप चाहो तो ना इसमें खीरा भी ऐड कर सकते हो, छोटा छोटा बिल्कुल फाइन चॉप करके वो भी इसमें डाल दो और खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। Yeah.
और यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने इसमें डाल दिया था नींबू, और क्योंकि मेरा गला खराब था ज़्यादा मैं कुछ इसमें डाल नहीं सकती थी, और मैंने इसमें डाला था रॉक सॉल्ट, और मिर्च बिल्कुल भी मैंने यूज़ नहीं करी थी, मैंने सिर्फ डाली थी इसमें काली मिर्च, वो भी बिल्कुल थोड़ी सी, जस्ट टेस्ट के लिए। और इसी हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिए मैं जल्दी से सही हो जाऊँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।